समाज जीवन को दिशा देने वाले संत और महापुरुष रहते हैं। उन्हीं संत महापुरुषों की कड़ी में संत कबीर दास जी महाराज, उनके इस जयंती के अवसर पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं। उनके जीवन के बारे में प्रायः सब लोग जानते हैं। कबीर जी के दोहे हों, कबीर जी के भजन हों, समय समय पर बचपन से स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर के और आगे बड़े होने तक सब किसी न किसी रूप में सुनते रहते हैं। 500 साल पहले कबीर जी उस समय के शख्सियत हैं जब अपना समाज अज्ञानता के दौर में से निकल रहा था और समाज में एक शिथिलता, एक निराशा, एक इस प्रकार के दौर से कि शायद हम सांस्कृतिक दृष्टि से भी पतन की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे समय में उस काल के अंदर बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने भक्ति रस से, भक्ति भाव से समाज को खड़ा किया और समाज में उस समय की जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों के ऊपर उन्होंने अपने प्रवचन किए, अपने गान किए, अपने दोहे बोले। चाहे रहीम जी हैं, चाहे कबीर जी हैं, चाहे संत वाल्मीकि जी हैं, चाहे रविदास जी हैं, मीराबाई हैं, गुरु नानक देव जी हैं, ऐसे सब संत पुरुषों की जो काल है लगभग आज से 500 साल पहले के कार्यकाल में था। कोई 10-20 वर्ष पहले था, कोई 10-20 वर्ष बाद में हुआ, लेकिन समाज को जागरण की एक लहर चलाने वाले महापुरुष सब थे। और संत कबीर जी की विशेषता ये थी कि वो गलत को गलत कहने का साहस रखते थे। सामाजिक कुरीतियों में उस कुरीति को दूर करने के लिए हमेशा भेदभाव दूर करके हम समाज के लोग एक साथ मिलकर आगे चलें, इस प्रकार के उनके संदेश होते थे। और ऐसे संदेश देने वाले महापुरुष, उन्होंने हमेशा अपना मार्गदर्शन किया। उनके एक दोहे के बारे में जैसे हम जानते हैं कि जाति पाति के जो घोर विरोधी थे और वो कहते थे, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी कैसे एक समरस समाज की कल्पना उनके मन में थी। समाज जीवन को दिशा देने वाले संत और महापुरुष रहते हैं। उन्हीं संत महापुरुषों की कड़ी में संत कबीर दास जी महाराज, उनके इस जयंती के अवसर पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं। उनके जीवन के बारे में प्रायः सब लोग जानते हैं। कबीर जी के दोहे हों, कबीर जी के भजन हों, समय समय पर बचपन से स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर के और आगे बड़े होने तक सब किसी न किसी रूप में सुनते रहते हैं। 500 साल पहले कबीर जी उस समय के शख्सियत हैं जब अपना समाज अज्ञानता के दौर में से निकल रहा था और समाज में एक शिथिलता, एक निराशा, एक इस प्रकार के दौर से कि शायद हम सांस्कृतिक दृष्टि से भी पतन की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे समय में उस काल के अंदर बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने भक्ति रस से, भक्ति भाव से समाज को खड़ा किया और समाज में उस समय की जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों के ऊपर उन्होंने अपने प्रवचन किए, अपने गान किए, अपने दोहे बोले। चाहे रहीम जी हैं, चाहे कबीर जी हैं, चाहे संत वाल्मीकि जी हैं, चाहे रविदास जी हैं, मीराबाई हैं, गुरु नानक देव जी हैं, ऐसे सब संत पुरुषों की जो काल है लगभग आज से 500 साल पहले के कार्यकाल में था। कोई 10-20 वर्ष पहले था, कोई 10-20 वर्ष बाद में हुआ, लेकिन समाज को जागरण की एक लहर चलाने वाले महापुरुष सब थे। और संत कबीर जी की विशेषता ये थी